मिक्स ग्रुपिंग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये शीट नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, इसमें 36 सेल्स हैं, 36 सेल्स हैं, ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, तो इंटरनल गिवन है, ईएमएफ गिवन है, एंड इसमें यूज टू सेंड करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम कैपिटल आर भी गिवन है। क्या उसने ये बोला कि 36 सेल सीरीज में है? नहीं बोला। क्या बोला ये पैरेलल में है? नहीं बोला। अगर वो बोलता तो मैं 36 सेल सीरीज में 36 इंटू ई लगा देता ईएमएफ। पैरेलल में बोलता आइडेंटिकल सेल्स हैं तो नेट ईएमएफ ई आ जाती। उसने बोला ही नहीं। फिर पूछा क्या है, फाइंड बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग। वो तो पूछ रहे बताओ सेल्स को सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं या मिक्स्ड ग्रुपिंग में लगाएं। इसका मतलब ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जो लास्ट लेक्चर में हुआ था कि इक्विवेलेंट बैटरी निकाल दो, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल दो। ये क्वेश्चन आज के लेक्चर पे बेस्ड है जिसमें आपको ये बताना है कि बताओ कितने सेल सीरीज में है, कितने पैरेलल में है, ये आपको डिसाइड करना है। स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि कहीं सारे सेल सीरीज में तो नहीं है, सारे सेल्स पैरेलल में तो नहीं है, या हो सकता है मिक्स ग्रुपिंग हो। मैं ये कह नहीं सकता, तो मैं कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या रेजिस्टेंस देखूं। तो आप सिंपली ये काम करें, आप इसको मिक्स ग्रुपिंग में ही मान लें। पर एक स्टूडेंट बोला अगर मैं इसे मिक्स ग्रुपिंग में मान लूं तो क्या पता ये सारे सिर्फ सीरीज में हो, फिर क्या करेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, एम की वैल्यू माना जाएगी, एन आ जाएगा, एम ऑटोमेटिकली माना जाएगा। अगर ये सारे पैरेलल हुए तो एन माना जाएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। और अगर मिक्स ग्रुपिंग हुए एन और एम की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो आप ये इमेजिन करें कि ये मिक्स ग्रुपिंग के अंदर है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने, 36 हैं, तो एन सेल्स सीरीज में और एम पैरेलल में, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हुए, एन इंटू एम की वैल्यू 36 है। इक्वेशन में वन क्लियर है, एन और एम निकाल लें। अब मुझे पता है मिक्स ग्रुपिंग की तो कंडीशन ही एक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। जो फॉर्मूला नोट किया वही नोट यहां लिख दो। तो यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एन और एम अननोन है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 0.5 है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 2 है। तो एन और एम की एक और इक्वेशन आ गई। तो तुम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एन और एम की वैल्यू निकाल लेना, पता लग जाएगा कि n 12 है, m 3 है, यानी कि 12 सेल सीरीज में और 3 सेल 3 रोज पैरेलल में। तो समझ में आ रहा है यहां तक ये कॉन्सेप्ट, कोई डाउट इसमें? क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक कि कौन से सेल सीरीज में और कौन से पैरेलल में? ठीक है यहां तक। अब साथ में वो ये कह रहा है कि टोटल करंट भी बता दो। करंट निकालने के कई तरीके हैं। आपका पहला तरीका करंट का डेरिवेशन चेक करें, ये था n इंटू एम इंटू ई अपॉन एन आर प्लस एन आर, या फिर मैक्सिमम करंट निकालने का दो फॉर्मूले मैंने और भी लिखवाए हैं, अब वो यूज कर लें, ये यूज कर लें, जो मर्जी कर लें आंसर ऑटोमेटिकली सेम आएगा, जो मर्जी करंट का फॉर्मूला लगा लें सेम आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चन में एन और एम कैसे निकलेगा। एन और एम पे क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो मिक्स ग्रुपिंग में, ये फॉर्मूला हमने किया ना। ठीक है, अच्छा फिर से मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, नहीं कैसे डिसाइड करेंगे आप देखें एक बार। तो क्वेश्चन है 12 सेल्स है, ईच ऑफ ईएमएफ गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, आर अरेंज इन एम रोज, ईच कंटेनिंग एन सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन अ फिगर। कह रहे हैं देखो ये नंबर ऑफ सेल्स एन सेल्स हैं, एम रोज हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.5 है, राइट। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल है और ये पूरा ग्रिड बना हुआ है एन और एम का। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन एंड एम, एन बताओ एम बताओ, फॉर विच दिस कॉम्बिनेशन वुड सेंड मैक्सिमम करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.5। क्या उसने बोला सीरीज में? नहीं बोला, उल्टा ये बोला ये मिक्स्ड ग्रुपिंग में, और ये भी बोला कि करंट मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो बताओ मिक्स ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम कब होता है, जब कैपिटल आर किसके इक्वल होता है, एन आर बाय एम के इक्वल होता है। तो पुट कर लिया, तो इसमें कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, तो एन और एम की एक इक्वेशन आ जाएगी, और साथ में नंबर ऑफ सेल्स पता है 12, तो एम इंटू एन भी पता है 12। अब एम इंटू एन पता है
यहां से m और n की रेशियो पता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फिर से n और m कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है, पहचान में आ रहा है मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चन कैसे दिखते हैं, और ये समझ में आ रहा है मिक्स ग्रुपिंग के अंदर फॉर्मूला ही एक काम आता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, होना इससे है। कोई डाउट इसमें? जैसे चेक करो क्या ये मिक्स ग्रुपिंग का है कि नहीं, कि बिना मिक्स ग्रुपिंग के हो जाएगा पैरेलल में। उसने क्या बोला, तीन सेल्स ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल अननोन है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। भाई वो इससे क्लियर क्या बोले कि मैं पैरेलल में लगा रहा हूं, पैरेलल में लग गया। क्या उसने बोला आपसे पूछा कि पैरेलल में लगाऊं या ना लगाऊं, नहीं पूछा, वो तो बता रहा है पैरेलल में, तो ये मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ये तो बता रहा है पैरेलल, तो पैरेलल लगा लो। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम है। इफ टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस सेल इज 1.5, यानी कि जब इन बैटरी में से करंट बाहर निकलेगा तो 2 वोल्ट ईएमएफ नहीं रहेगी, 1.5 वोल्ट हो जाएगी। तो आपको बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों की जगह एक सेल बोलो क्या ईएमएफ का होगा, 2 वोल्ट। आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में है, अगर सेल्स आइडेंटिकल पैरेलल में है तो वी की वैल्यू सेम रखनी होती है ईएमएफ की, 2 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 पैरेलल में तो क्या आएगा, R/3, और ये क्या आएगा, 5 ओम। ठीक, ये क्या है इसकी ईएमएफ, जब करंट इसमें से निकलेगा तो वी की वैल्यू 1.5 वोल्ट है, तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E/V -1 × R। आपको E पता है 2 वोल्ट है, आपको V पता है 1.5 वोल्ट है, आपको कैपिटल R पता है 5 ओम है। सॉल्व करके स्मॉल R की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आएगा। लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल लगेगा इसमें। ये फॉर्मूला है, इंटरनल हमने तीनों सेल्स की मिला के क्या निकाल ली, R/3 E/V -1 × R। कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, ई पता है, वी पता है, स्मॉल आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कल आएंगे टेस्ट में ये क्वेश्चन, तभी आज मैंने नया टॉपिक नहीं करवाया, यहीं तक करवा रहा हूं सिर्फ सेल्स तक। ठीक है यहां तक, कम से कम एक क्वेश्चन तो दूं पैरेलल का, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन तो बता दिया मैंने आपको, इसमें दूंगा पैरेलल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, क्या उसने पूछा सीरीज या पैरेलल, नहीं पूछा, तो मिक्स ग्रुपिंग नहीं है। बोल रहे सीरीज में तो लगा दो सीरीज में, दो सेल सीरीज में 1.5 1.5 के इंटरनल रेजिस्टेंसेस अलग हैं, एक की 0.5 है, एक की 0.25 है, दे आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2.25 है। तो आपको ये बताना इसमें करंट क्या होगा, ये तो बहुत आसान है। दो सेल सीरीज में तो टोटल ईएमएफ क्या होगी, 1.5 + 1.5
3 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, सभी सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस होगी 2.25 प्लस 0.25 प्लस 0.5 यानी कि कितना 3 ओम। टोटल करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे आंसर, तो 1 एम्पियर करंट है। फिर आपको यह बताना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब ये बैटरी में से करंट बाहर निकलेगा तो V क्या होता है, E माइनस आई आर, तो इसमें V इज इक्वल टू E माइनस आई आर वन, इसमें V इज इक्वल टू E माइनस आई आर टू, ऐसे सही है। दूसरा क्वेश्चन कल के टेस्ट में ऐसा जरूर दूंगा, करंट बाहर निकलेगा और आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को दूंगा। लो दो क्वेश्चन और लो, कर लेना ट्राई। मोटिव ये नहीं है कि नंबर काटने हैं, मोटिव ये है कि आप किसी तरीके से रात को पढ़ लें, कॉन्सेप्ट सीख लें, और मेरे को बड़ी खुशी होगी अगर आप नंबर ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। क्वेश्चन है 10 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल 59 है, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर 10 सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो और एक सेल लगाना है तो क्या आएगी बैटरी की ईएमएफ 10 ई, और इंटरनल क्या आएगी 10 आर, एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है 59 ओम है, और करंट सर्किट में कितना है 0.25 एम्पियर है, तो करंट क्या आएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। टोटल ईएमएफ 10 ई, टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल 10 आर, एक्सटर्नल पता है, करंट आ गया। अब वो कह रहे हैं 10 के 10 सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल ईएमएफ आइडेंटिकल सेल्स की क्या हो जाएगी, सिर्फ ई है ना, ई प्लस ई प्लस ई, मतलब ई ई ई पैरेलल में तो ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर 10 बार पैरेलल में तो क्या आएगा आर बाय 10। लेकिन सेकंड केस में कह रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.05 कर दी और करंट भी कितना हो गया 25 एम्पियर हो गया, तो दूसरी क्वेश्चन भी क्लियर है। तो पहले केस में सीरीज की और दूसरी केस में पैरेलल में, तो इसमें ई और आर दो वेरिएबल है तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ई और आर कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर में एक ही काम कर रहा हूँ, टोटल करंट इज टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, बस मतलब कुछ नहीं कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। ईएमएफ 1.5 है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, बस मुझे ये बता दो क्या उसने बोला, सेल्स को सीरीज में लगा दो, नहीं बोला, पैरेलल में लगा दो, नहीं बोला, तो हो सकता है ये मिक्स लूपिंग में हो, तो फिर पक्का मिक्स लूपिंग में ही है, क्योंकि अगर ये मिक्स में ना होते तो बोल देता ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है, तो ये मिक्स लूपिंग है। और मिक्स लूपिंग का फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है, कैपिटल आर आपको पता है, स्मॉल आर आपको पता है, एन और एम की रेशियो आ गई। मिक्स ग्रुपिंग में करंट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था एन ई बाई टू आर, तो इस क्वेश्चन में आपको करंट पता है, ई पता है, कैपिटल आर पता है, तो एन की वैल्यू आ गई, एन आ गया, यहां पुट करके आपके पास एम आ जाएगा, एन और एम आ गया, एन और एम को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे। तो जिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है सीरीज या पैरेलल, तो इसका मतलब फिर पक्का वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने वाला है। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट 15th, टू आइडेंटिकल सेल्स हैं, वेदर ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज और पैरेलल, वो कह रहे जी करंट सेम है, तो एक्सटर्नल पता है, इंटरनल निकालो, चलो पहले सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में दो सेल्स की टोटल ईएमएफ 2e, इंटरनल क्या 2r, एक्सटर्नल गिवन है 1, इतना करंट है, चलो पैरेलल लगाते हैं, ई और ई पैरेलल में नेट ईएमएफ ई, इंटरनल कितनी आर बाई टू, एक्सटर्नल 1 आईपी, लेकिन करंट दोनों में कह रहा है सेम है, इक्वेट कर दो, इसे ही कैंसल, स्मॉल आर निकाल लेना आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन है, सेट ऑफ फोर सेल्स, चार सेल्स हैं और दो दो वोल्ट के चार सेल हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 है, आर कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 है, विद टू रोज टू सेल्स इन ईच ब्रांच, तो दो दो सेल ईच ब्रांच में और ये ऐसे कनेक्टेड है, तो डायग्राम बन गया। अब वो कह रहे हैं कि जब इसके अंदर एन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, क्या लिखा है, लोड ऑफ 10 ओम विद, फिर से वो कह रहा है कि इसमें चार सेल्स हैं, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है 1.5 है, कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल लोड ऑफ 10 ओम, ठीक है, विथ टू रोज टू सेल्स इन ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, ये नहीं मुझे समझ आया क्या है, अच्छा अच्छा निकाल लें, गलत लिखा हुआ है, ये आए क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर यानी कि 10 ओम में वी निकाल लें,
तो अगर तुम ये बता दो कि ये चारों सेल मिलके कितना करंट इसमें दे रहे हैं, तो I इंटू आर से क्या जाएगा इसमें, V आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यानी कि करंट निकालना है। अच्छा बताओ, ये दो सेल्स की जगह अगर एक सेल लगाएं तो टोटल EMF क्या लिखेंगे? 2E। इसमें क्या लिखेंगे? 2E, 2E इंटरनल रेजिस्टेंस 2R, 2E इंटरनल रेजिस्टेंस 2R। क्या ये स्टेप क्लियर है? अगर मैं इन दो सेल्स की जगह भी एक सेल लगाऊं पैरेलल में, तो नया सेल क्या बनेगा? 2E, और इंटरनल में 2R, 2R पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? R। ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट, क्योंकि E1 बाय R1, E2 बाय R2 तब करेंगे जब वैल्यू डिफरेंट है, आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो आइडेंटिकल में 2E आ जाएगा। अच्छा, इसमें करंट क्या होगा? 2E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल R। E पता है, कैपिटल R पता है, स्मॉल R पता है, करंट आ गया। तो एक बार आपके पास टोटल करंट आ गया, इसमें टोटल करंट को कैपिटल R 10 ओम से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई आंसर, V की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R में। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें? तो पहले आपने करंट निकाल लेना है, फिर कैपिटल R में I इंटू कैपिटल R से V की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक,